मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन अनीता। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल रेसिपी की बात करेंगे जो हमारी डायबिटीज में, हार्ट डिजीज में और वेट रिड्यूस करने के साथ साथ बीपी को कंट्रोल करने का काम भी बहुत अच्छे से करती है। इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों, और ये बहुत सारे घरों में बनाई भी जाती है, परंतु बहुत से लोग इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को नहीं जानते और ना ही इसके बेनिफिट्स को जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है दोस्तों मूंग दाल का चिल्ला। दोस्तों, मूंग दाल के चिल्ले को बनाना तो सभी जानते हैं, परंतु जो जरूरी बात है वो है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और उसके बेनिफिट्स की। मूंग दाल के चिल्ले की न्यूट्रिटिव वैल्यू की जब बात आती है तो हम इसे हाई प्रोटीन और हाई फाइबर रिच डाइट में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दोस्तों मूंग दाल का चिल्ला जो है वो एक प्लांट प्रोटीन से लिया गया है। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये बहुत सारे डिजीज के रिस्क को कम करती हैं और बहुत सारे डिजीज के डाइट के अंदर इसे इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले हम इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं। मूंग दाल के चिल्ले के न्यूट्रिटिव वैल्यू की यदि बात करें तो पर सर्विंग से हमें 121 से 130 किलो कैलोरीज मिल जाती हैं। 20 ग्राम तक हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, 8 ग्राम हमको प्रोटीन मिल जाता है और 1 ग्राम हमको फैट मिल जाता है। इसी के साथ इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। जिंक, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मूंग दाल जो है वो वेजिटेरियन डाइट में एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, अब हम मूंग दाल के चिल्ले के बेनिफिट्स की बात करते हैं। मूंग दाल के चिल्ले का जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि ये आपके वेट को रिड्यूस करता है और वेट को कंट्रोल करके रखता है। यह आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को इम्प्रूव करता है और इसी के साथ में ये आपको ओवरईटिंग से बचाता है। जब आप मूंग दाल का चिल्ला लेते हैं तो आपको फुलनेस की फीलिंग्स आती हैं और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी दूर रखता है। दूसरे नंबर पे मूंग दाल के चिल्ले का जो बेनिफिट है वो है डायबिटीज के अंदर। दोस्तों, डायबिटीज के अंदर मूंग दाल का चिल्ला जो है वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्लाइसमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है और इसी के साथ इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों हार्ट की। मूंग दाल का चिल्ला हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर जीरो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी हार्ट बीट को तो कंट्रोल करके रखते ही हैं, साथ में बीपी के लेवल को भी अप और डाउन नहीं होने देते हैं। साथ ही दोस्तों, ये पचने में हल्का होता है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मूंग दाल के चिल्ले को हमें हमारी डाइट के अंदर ब्रेकफास्ट या डिनर के अंदर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, आप मेरी बात पे बिलीव कीजिए और अपनी डाइट के अंदर मूंग दाल के चिल्ले को जरूर इंक्लूड कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा दोस्तों।